Hey guys, how's going on? Myself is Jalota. आज की वीडियो में फ्रेंड्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ कि कितने रेपिटेशंस हमें करने चाहिए वर्कआउट के ड्यूरिंग, कि हमें लाइट वेट के साथ ज़्यादा रेपिटेशंस करने चाहिए या फिर हैवी वेट के साथ कम रेपिटेशंस करने चाहिए। सो इस वीडियो में मैं आपके सारे मिथ्स क्लियर करने वाला हूँ। इस वीडियो को एज की पार्ट मिस ना करें। आप मुझे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हैं, मैं अपनी लेटेस्ट पोस्ट स्टोरीज एंड डाइट रिलेटेड वीडियोज डालता रहता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। गाइस, पहले इस चीज़ को लेकर बहुत सारी स्टडीज़ हो चुकी हैं कि हमें पहले लोग बोलते थे कि अगर हम हैवी वेट के साथ जो अपने रेपिटेशन है उसे कम करते आ रहे हैं और अपना वेट है जो उसे बढ़ाते आ रहे हैं, तो इसका मतलब होता है कि हम हाइपरट्रॉफी ट्रेन कर रहे हैं। हाइपरट्रॉफी का मतलब ये होता है कि हमारे जो अगर मेरा जो बाइसेप्स है, हमारे बाइसेप्स के अंदर हम हाइपरट्रॉफी को अचीव करवाने के लिए इस तरह से रेपिटेशन करते हैं और वेट को बढ़ाते चलते हैं। पहले हम जैसे 10 केजी के डंबल से 12 रेपिटेशन कर रहे हैं, उसके बाद 12 केजी के डंबल से हम 10 रेपिटेशन कर रहे हैं एंड 15 केजी के डंबल से 8 रेपिटेशन करते हैं। इसको बोलते हैं कि जिससे हम अपनी हाइपरट्रॉफी को अचीव करवा रहे हैं। हाइपरट्रॉफी का मतलब फ्रेंड्स ये होता है कि हमारे जो मसल्स में सेल्स होते हैं, जब वो सेल्स अच्छी तरह से पंप हो जाते हैं और वो अपने साइज में थोड़े बड़े हो जाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं हाइपरट्रॉफी। सो इस तरह से हाइपरट्रॉफी अचीव हो जाती है और जो हमारे सेट्स हैं वो अच्छे तरीके से हो जाते हैं और हमें थोड़ा पंप महसूस होता है। और फ्रेंड्स दूसरा तरीका होता है इसे अचीव करवाने का कि हम लाइट वेट के साथ ज़्यादा रेपिटेशन कर रहे हैं। जैसे हम 7 केजी के डंबल के साथ 15 से 20 रेपिटेशन कर रहे हैं, हाइपरट्रॉफी तो हमारी फ्रेंड्स वैसे भी अचीव हो रही है और इस तरह से भी अचीव हो रही है। तो ये हमारी मर्जी है कि हम उसे कैसे अचीव करवा सकते हैं। हाइपरट्रॉफी अचीव करवाने के लिए अगर आपका गोल है, अगर आप चाहते हो कि आपका जो मसल मास है वो ज़्यादा बढ़े, वो हाइपरट्रॉफी से ही बढ़ेगा, तो उसके लिए आपको कोई भी रेपिटेशन आप फॉलो कर सकते हो, बट आपने अपने जो मसल को अच्छी तरह से एग्जॉस्ट करना है। कि चाहे आप लाइट वेट के साथ उसके ज़्यादा रेपिटेशन कर रहे हो, चाहे आप हैवी वेट के साथ उसके कम रेपिटेशन कर रहे हो। सो फ्रेंड्स ये सीधा सीधा मैंने आपका जो मिथ है वो क्लियर कर दिया। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं था इसलिए मैंने ये जल्दी से आप लोगों को बता दिया। सो बहुत सारे मेरे को क्वेश्चंस आए थे कि हम लोग क्या रेप रेंज फॉलो करें, क्या हमारे लिए अच्छे रहेगा, कि क्या अगर हमने कटिंग करनी है तो ज़्यादा रेपिटेशन करें, कि क्या अगर हमने जो वेट बढ़ाना है, वेट गेन करना है, तो क्या हम अपना रेपिटेशन कम करें। सो रेप्स का इस चीज़ से कोई भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोई भी रिलेशन नहीं है कि अगर आप रेप्स ज़्यादा करोगे तो कटिंग होगी, अगर आप रेप्स कम करोगे तो गेनिंग होगी। सो ये लोगों के दिमाग में आजकल ये बहुत बड़ा मिथ चल रहा है, इसलिए मैंने इस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाई कि लोगों के दिमाग में से मिथ निकल जाए। बस आपने करना क्या है, चाहे आप डंबल हैवी ले रहे हो, चाहे आप डंबल लाइट ले रहे हो, आपने जब तक आपका मसल अच्छी तरह से एग्जॉस्ट नहीं हो रहा, जब तक आपका मसल बोल रहा है कि भाई मेरे से और नहीं लगेगा, तो आपने उस टाइम पे दो रेपिटेशंस और ज़्यादा लगाने हैं। तो इस चीज़ से आपकी हाइपरट्रॉफी भी अचीव हो जाएगी और आपके मसल्स गेन भी हो जाएंगे, चाहे आप कटिंग कर रहे हो, चाहे आप गेनिंग कर रहे हो। मेरा इस वीडियो का बनाने का यही मोटिव था कि कुछ लोगों के दिमाग में जो मिथ्स हैं इस चीज़ को लेकर कि रेप रेंज क्या फॉलो करें, और कई लोग तो जिम में जाकर 50-50 रेपिटेशन भी लगाते हैं लाइट वेट के साथ, वो कोई बात नहीं, वो अपने मसल्स को ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, उस चीज़ को वर्क ज़्यादा करवा रहे हैं ताकि उसमें एंड्योरेंस आ जाए। सो उस एंड्योरेंस को बनाने के लिए आप रेपिटेशन ज़्यादा भी कर सकते हो, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग भी रेजिस्ट करवा सकते हो और मसल्स को ज़्यादा रेपिटेशन करके। सो ये थी मेरी कुछ आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन के ऊपर जरूर क्लिक करें, जिससे आपको मेरी ऑनेस्ट वाली वीडियोस मिलती रहेंगी और मैं कोई ज़्यादा फालतू बकवास करता नहीं हूँ, सीधा आपको जो मुद्दे की बात हुई है वो जल्दी बता देता हूँ। सो उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। सो आप मुझे इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो कर सकते हैं, एक ही अकाउंट है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप फ्रेंड टू माई चैनल। जय हिंद।